पर कोई किसी का इतना बुरा नहीं चाहे। कुल नहीं, मैं भी उनके लिए उतना ही चिंतित हूँ। ऐसे में अगर एक केंद्रीय मंत्री को भी इस तरीके से धमकी मिली है, जितने उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है जरूर उठाए जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, चाचा पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी, तो चिराग पासवान भी इस पर खूब बोले। बता दें कि चिराग पासवान ने पशुपति पारस को लेकर के भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी धमकी उन्हें मिल रही है तो ये सरासर सोचने वाली बात है, और ऐसे में वो केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे और साथ ही इस बारे में वो आगे भी चर्चा करेंगे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान आगे भी बहुत कुछ कह रहे हैं, अब कुछ सुनिए। जिन्होंने भी दिया है जी। ये गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हम लोग एक ऐसे प्रदेश में जीते हैं जहां आम बिहारियों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में अगर एक केंद्रीय मंत्री को भी इस तरीके से धमकी मिली है, उनसे किसी के रिश्ते कैसे हो नहीं हो एक तरफ है, पर कोई किसी का इतना बुरा नहीं चाहेगा कि वो हत्या जैसी साजिश कोई रचे। अगर कोई ऐसी सोच उनके बारे में रख रहा है तो ये चिंता की बात है। मैं ना सिर्फ बिहार सरकार से बल्कि केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए जितने उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है ज़रूर उठाए जाए। उन्होंने इशारा किया है आपके तरफ, तो जिसके ऊपर भी पर इस तरह का इशारा कितना जायज़ है? चिरा, बात जायज़ गलत की नहीं है, बट अगर उनको इस बात का अंदेशा है या उनको अगर इस बात की आशंका है तो ज़रूर उस पक्ष की भी जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री को शिकायत पत्र दे दिया, क्या आपका भी नाम होगा उस शिकायत पत्र में? मुझे नहीं पता, बट अगर नाम जिसका भी है, जैसा मैंने कहा कि जांच हर पक्ष की होनी चाहिए, हर पहलू की होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पासवान एक्शन लेंगे इस पर? मैं इस पर क्यों एक्शन लूंगा भाई, मैं भी उनके लिए बिल्कुल नहीं, मैं भी उनके लिए उतना ही चिंतित हूँ जितना वो अपने लिए हैं। उनकी लंबी उम्र की मैं भी कामना करता हूँ, स्वस्थ रहें और जो भी कोई ऐसी मंशा रखता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप माता जी के साथ यहाँ पर आए रीना पासवान जी के साथ, तो एक प्रश्न बनता है, हाजीपुर का पत्ता कब खोलेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे या माता जी रीना पासवान? सही समय पर उसकी भी जानकारी साझा कर दी जाएगी। पार्टी के संसदीय बोर्ड को ये अंतिम फैसला लेना है, जमुई से कौन, हाजीपुर से कौन, बाकी की लोकसभा सीटों से कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय। सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान भावुक होकर अपने ही चाचा को लेकर के बातें कहते नजर आ रहे हैं। यूं तो आपको बता दें कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच नहीं बनती, और इसी बीच आपको बता दें कि पशुपति पारस को ये धमकी मिली थी कि अगर वो चिराग पासवान के बारे में जिस तरीके से कहते रहते हैं और इस तरीके से ही कहने लगे और हाजीपुर उन्होंने अगर कदम भी रखा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने चिराग पासवान पर भी आरोप लगाए थे कि चिराग पासवान के ही लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन अब बता दें कि चिराग पासवान भी ये जानकर काफ़ी भावुक होकर इन बातों को कहते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR के साथ।